एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो, अकेले खींचो, सिर्फ अकेले। सोचते हुए ये जा रही है। हाँ। बात सुन, किसी सस्ते पेंटर को पकड़ और इसके ऊपर लिखवा टिचकुले कंपनी का रोड रोलर। चल, और लाल पेंट है, लाल पेंट। चल, 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 चल। हाँ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते हो। मुझे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि ऐसा टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ, आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का म्युनिसिपल ऑफिस। फीस, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ शोर मत मचाओ। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा था। अबे ये भावना अपने घर पे जाके दिखा। अभी रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया। और ये तेरे बाप का है, तेरे बाप का है। हटा हटा, फिर एक काम कर, गद्दा ऊपर डाल, सो जा, निकल यहाँ से, निकल निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग। नारियल तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में है तो हम क्या करें। मैं तोड़ता हूँ, लो आप फोड़ो। अबे तेरी तो, क्या रे ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को, एक दूंगा ना। थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप 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 जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा थाने। जाइए, चलो। अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी? कब्जा क्या मुजरा है जो देखने हूँ। ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। अरे आओ आओ, सब लोग आओ, कब्जा देखने आओ। देख लो आम आदमी की कैसे जीत हुई और म्युनिसिपैलिटी वालों की हार हुई। आओ। मैडम मैडम मैडम, ये ना चीज आपका रोड रोलर लेके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा कोई भी इंडियन जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मैडम यहाँ पे इंडियन कौन है? अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे, इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लिशमैन मिलेंगे, और इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। सबको अपनी तिजोरी भरनी है, सबको अपना पेट फुलाना है, दैट्स ऑल। गुड बाय मैडम। और हाँ, बड़े इत्तेफाक की बात है मैडम, जब मैंने म्युनिसिपैलिटी का सत्यानाश करना शुरू किया उसी वक्त आपने अपना ओहदा संभाला, आपके हार गए और आपका नाम खराब हो गया। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है मैडम। अच्छा अच्छा, राम 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 राम। पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में नहीं, गिर गर्दन घाट। गिर गर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट। हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब। हाँ। तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था। हाँ। और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मांझे क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो 3 दिन बाद पहुंचता है, और अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे से गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के मापी दौड़ रहा था, धक 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 धक, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। हाँ। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी। हाँ। और रोड रोलर जाके पेड़ को लगा, गचकन पेड़ खाई में गिरा, बचकन। फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका, ये किनारे पे ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस, सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के, ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया।
फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधरिच उधर ने 3-4 दिन बाद में आके दिया। आके घर पे दिया, पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशु, तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं फेंक रहा है, फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, चल यकीन नहीं है ना, चल साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट, अरे चल, अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए, ए गाड़ी घुमा। ये बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ चीटी, मामा जी क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे, चाबी दो, ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो, ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452.55 और 99 रुपए आपके रिक्शा के। बराबर बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना है, कितना लेना है, सब इस बोरिए के अंदर लिखा हुआ। और एक बार ये रोड पे गड़ाकर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुँचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर, जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे, जल्दी दे, जल्दी दे। ये लो, चलो आप भी ठीक करके देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए मां कर तो अंडचिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट रे, हट। किधर जाने का, पत्ता बोल, पत्ता बोल। हरामी उधर उधर, तुम में से कोई भी नहीं आएगा समझे ना, सब लोग चल के आएंगे, सिर्फ मैं चलूंगा ऊपर। चलो बंद क्यों हुआ? चल चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो, कहां से पकड़ के लाए इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है, स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोनकर जी, डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? क्या है? इसका पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियरबॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे बोलो, लास्ट के लेके जाओ रोलर ला खांदे और के हुंदा के रे माला विजत्रा लगे। बंद कर, करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियरबॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना करो। वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, 4-5 खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे।
हवा मेरे को इसकी तरह बराबर लग रही है, पर ये पही अगर हम निकल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी तरह लोचा क्या है। लगता है इसका एक एक पार्ट है ना काट के इधर से लेके जावे वही अच्छा है। अरे लौंडकर। हाँ भाई। अरे जरा गियर बॉक्स में घुस के देख, चूहा या घोरपट तो नहीं घुसले उधर? सब देख लिया भाई। उधर अरे गंगिया, अरे इसमें से कार्बोरेटर है कि नहीं देख, ये जम्मा ये थोबड़ पे क्या लाइट मार के बैठा, ये दाढ़ी बना के तेरा सलून में बैठे, हट हट लाइट मार उधर, ते लाइट मार। ओ भाई साहब एक मिनट जरा। हाय वे बराबर देख रहे उधर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सुबह के 4 बज गए, अब कब तक काम खत्म होगा? आप भी ठीक कर रहे हो तो अभी तो हाथ में है। बस यही लाइन सुनते हैं अभी आ हाथ में। चल ना एक काम कर, मेरे जांगे पे बढ़िया। साले जब से तेरा थोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 रुपए किस बात के लिए? इसकी माँ करने के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए, समझा क्या? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है। मिनट, देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ, है? एक तो ये सरदर्द है, दूसरा तुम दोनों सरदर्द हो। ये लोग आया था, इनको जरूरत की नहीं। फिर जो हो गया सो हो गया, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। पहले इस पागल को बोले इसे ठीक करके बाहर ले जाए। किसको बोला पागल? कौन पागल? मैं पागल। किसको बोला पागल? मैं पागल। एक मिनट। एक ही तरीका है। क्या है? इसे अपने सर पे उठा के लेके जाऊं? भाव हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, और खर्चा नहीं कर सकता। सुनो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जाता हूँ हाथी लेकर आता, झगड़ा नहीं। हाथी Hey,
भागे। जरा स्पीड से अगर और आते थे ना, हम लोग वो रोड पे पहुंचते थे। आई चप्पल बिल्कुल वो देखते हैं कि आप बहुत आती है ना औरतें भोजनालय में। साला अरे साला फीस मांगेगा, मैं देख के आता हूँ। सचिन हाँ कौन बोला? सचिन आप ही के बारे में सोच रहा था, 200 साल जियोगे कसम से। हाँ बोलिए। आज केस का फैसला था ना कोर्ट में, आप नहीं आए? हाँ वो इसलिए आपसे मिलने आ लेना था मैं। क्या हुआ? हार गए? नहीं, सचिन टिचकुले केस जीत गया। नहीं। हाँ, म्युनिसिपैलिटी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। और सचिन टिचकुले का झंडा लहरा दिया। अरे, हाँ, हाँ। नाना चिटांग, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। ए, चुप रे, हराम। अरे उनके वकील ने कहा म्युनिसिपैलिटी वाले के पास पैसे नहीं है, तो जज ने कहा उसका रोड रोलर आपको दे दो। रोड रोलर मेरा बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। ए, सुना रे, ए, दत्कर, इधर आ, ए, अपना, वैशाली, इधर आ, इधर 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 आ, अपने पास अभी खुद का रोड रोलर होने वाला है। फिर अपने को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी फीस? हाँ ठीक है ठीक है। अब इसके बाद टिचकुले का नाम इस देश में बड़े कॉन्ट्रैक्टर टाटा के साथ जोड़ा जाएगा। टी फोर टाटा, टी फोर चाचा, टी फोर टिचकुले टाटा, टिचकुले टाटा। मेरी सड़कें भी अभी स्टील की होंगी। अरे उसको छोड़ो ना भाऊ, ये तो जश्न मनाने का टाइम है। सेठ जी क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है। हाँ उसे एक मिनट, लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद जी, हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं, लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी हाँ, जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में। हैं, जल्दी कर, बता मुझे बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए? अच्छा छोटे के लिए नहीं है। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, बड़े केले चलेंगे। है चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे अरे रेणु रेणु, तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? है अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? है? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लाइन पर हो भाई। उफ, सेठ जी। हाँ, तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ? हाँ, बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपया नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपया। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता सर जी, सर जी, सर जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी है, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है। तूने बोला? हाँ सॉरी सॉरी, पेंट 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 पेंट, हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है,
तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई है? शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश, बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है, कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे अंडे को तू है क्या? लाइन पर है, लाइन पर है, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी 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 कड़ी, कड़ी चलेगी है? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर, लाइन पर हो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पर रहना, बताता हूँ। रामचंद, लाइन पर रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया। बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बकवास सुनने नहीं है आपकी यहाँ? अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू, है? अब अकड़ के जा रहा है, अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो, साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा, रावण की औलाद है कमीना साला। तो तेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश हुई तेरी माँ? बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू, मैं जा रहा हूँ। अबे तो कुछ खर्चा पानी मिलेगा? तुम लोगों ने उधार मांग मांग के मेरा सत्यानाश कर दिया। अब जान गया बच्चा वो उधार। भाव 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 भाव, वो इंजीनियर और कमिश्नर आले, लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। ए तात्या, उधर ले गया। ओए मार, चल फटकर रोड के बीच में यहाँ पे। ए रुको रे, रुको। ए आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंडरे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना है। अरे लेकिन अगर आपको देखना है तो साइड में देखिए ना, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंडरे, अरे कितनी मेहनत से रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। ए तू खंडर रे। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहां लिख दो डांबर से, सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। तो बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहने मैडम, देखिए ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं नहीं, हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला, कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़े शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था। इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती हैं, घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। घनपुले मैडम, घनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे चेक्स का क्या होगा? मैडम मैडम, ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। ए, जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। ए, बहुत घमंडी होगी ये तू। ज़बान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, डपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुजी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ दे, चल। जीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले ए रंगीला, पहले आप ले गाड़ी। आओ गाड़ी बैक करके ले गए। अरे